फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम। इस वीडियो में मैं आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोन्स डिजीज के दोनों में क्या फ़र्क है वो बताने जा रही हूं। दोनों ही इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज़ है। दोनों ही प्रॉब्लम्स में लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन होती है, अल्सर्स बनते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू क्रोन्स डिजीज। अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है वो रेक्टम से स्टार्ट होता है। रेक्टम वो एरिया होता है जहाँ पर जो स्टूल, जो मल है वो स्टोर होता है। जब मल वहाँ पर स्टोर होता है, उसकी मसल्स पर स्ट्रेचिंग जो इफेक्ट पड़ता है, उसकी वजह से मल की अर्ज होती है। तो यहाँ से जो है स्टार्ट होकर ऊपर की तरफ को बढ़ता है। इसीलिए ऐसे पेशेंट में रेक्टल टेनिसमस ज़्यादा होता है, मतलब बार बार अर्ज होती है कि उनको स्टूल जाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी सूजन जो है इसी एरिया से स्टार्ट होती है। क्रॉन्स डिसीज जो है कहीं से भी, मतलब पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ऊपर से लेके नीचे तक कहीं पर भी हो सकता है, चाहे मुंह है, खाने वाली पाइप है, पेट है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, मलद्वार है, कहीं पर भी हो सकता है क्रॉन्स डिसीज। जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस सिर्फ और सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन में ही होता है, बड़ी आंत में होता है। अब इसमें जो अल्सरेटिव कोलाइटिस में तो मैंने बताया कि जो सूजन होती है वो लगातार होती है, लेकिन क्रॉन्स डिसीज में जैसे थोड़ा सा एरिया है वो डैमेज है, इन्फ्लामेशन है, थोड़ा सा एरिया फिर बिल्कुल नॉर्मल होगा, ठीक होगा, उसके बाद फिर थोड़ा सा एरिया डैमेज होगा, फिर जो है नॉर्मल एरिया होगा। इसलिए जब टेस्ट करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं, बीरियम मीलिया एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी, तो उसमें से पता चल जाता है कि अगर कॉन्टीन्यूस इन्फ्लामेशन है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं अल्सरेटिव कोलाइटिस है, और अगर पैची डिस्ट्रीब्यूशन है तो इट मीन्स कि क्रॉन्स डिसीज है। अब जो क्रॉन्स डिसीज होता है वो जो है डीप लेयर्स तक फैला होता है, मतलब वो जहाँ पर भी इफेक्ट करता है जिस एरिया को, वो पूरी जितनी भी लेयर्स होती हैं उस पूरी लेयर्स तक डैमेज करता है। इसी वजह से जो है उसमें फिस्टूलास बन जाते हैं, परफोरेशन हो जाती है, एब्सेस बन जाते हैं, मतलब जैसे जैसे अल्सर आपका बिल्कुल डीप डीप लेयर्स में जाता रहेगा मसल्स में, तो मसल्स में होल हो जाएगा, छेद हो जाएगा। अब जहाँ जिस एरिया में छेद होगा तो क्या होगा, वो कहीं भी जो आसपास के ऑर्गन्स है उसके साथ अटैच हो सकता है, या सिंपली बाहर पेट के साथ सिंपल पेरिटोनियम में भी अटैच हो सकता है। अब जो भी कंटेंट अंदर प्रेजेंट होगा इंटेस्टाइन में, वो जो है बाहर आपका पेट में फैलेगा, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस और पेन होने के चांसेस होते हैं। जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में ऐसा नहीं होता। अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है सिर्फ ऊपर की, अंदर की सिर्फ एक सिंगल लेयर को डैमेज करती है, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस में कैंसर के चांसेस जो है ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू क्रॉन्स डिसीज। क्रॉन्स डिसीज जो है 15 से 30 साल की एज में होता है, जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस 15 से 25 साल की एज में होता है। और एक कॉमन डिफरेंस जो है कि क्रॉन्स डिसीज जो है स्मोकर्स में ज़्यादा होता है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उसमें डबल चांसेस होते हैं क्रॉन्स डिसीज होने के, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस जो स्मोकिंग नहीं करते हैं उनको भी होता है, और क्रॉन्स तो दोनों को ही होता है, जो स्मोकिंग करते हैं उनको भी, जो स्मोक नहीं करते हैं उनको भी। अब जो क्रॉन्स डिसीज है उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होती है, छोटी आंत, जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में सिर्फ बड़ी आंत इन्वॉल्व होती है। इसीलिए जो क्रॉन्स डिसीज है उसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी पाई जाती है पेशेंट्स में, उनमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी अगर टेस्ट करवाएंगे कमी पाई जाएगी, जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसमें सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होती है। क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन इन्वॉल्व है तो उसमें जो डायरिया है, जो स्टूल है, उसमें ब्लड और म्यूकस होगा, लेकिन क्रॉन्स डिसीज में जो है आपका अनडाइजेस्टेड फूड, अधपका जो खाना है वो लैट्रिन में आएगा, उसमें फैट जो है तैर रहा होगा, क्योंकि फैट जो डाइजेस्ट नहीं होगा स्मॉल इंटेस्टाइन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, जो लैट्रिन का उसमें फैट आएगा वो चिकनी आएगी, ऑयली आएगी, इसीलिए वो टॉयलेट सीट पर चिपकेगी और उसके ऊपर जो है तैरेगी। अब अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो है रेक्टम इन्वॉल्व होता है, आंत का जो है सबसे निचला हिस्सा जहाँ पर जो है मल स्टोर होता है। इसीलिए अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले पेशेंट को बार बार लगेगा कि मुझे लैट्रिन जाना है, अर्ज होगी मोशन की, लेकिन क्रॉन्स डिसीज में ऐसा नहीं होगा। क्रॉन्स डिसीज क्योंकि मोस्टली जो ज़्यादा है स्मॉल इंटेस्टाइन से शुरुआत होती है, और बार बार अर्ज जो है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो है ज़्यादा होती है। अब अल्सरेटिव कोलाइटिस में सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होती है तो वेट कम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन क्रॉन्स डिजीज में वेट कम होता ही होता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन खाने को डाइजेस्ट करती है, खाए पिए शरीर में लगाती है, तो क्रॉन्स डिजीज इसलिए इसमें जो है वजन कम होता ही होता है। इसके अलावा जो आपका क्रॉन्स डिजीज है इसमें जो है ब्लॉकेजेस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि सारे चारों डीप लेयर्स इसमें इन्वॉल्व होती है,
और सूजन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बीच का जो एरिया है सारा सूजन की वजह से कवर हो सकता है। और ये क्योंकि किसी भी एरिया में हो सकती है, अगर मान लीजिए पेट है, छोटी आंत है, उसकी ओपनिंग है जहाँ से पेट जो है खाना छोटी आंत में एंटर करता है, वहाँ पर अगर हो जाता है तो ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है जिसकी वजह से खाना जो है पेट में ऊपर को आता है, वॉमिटिंग आती है, खाने की वॉमिटिंग भी आ जाती है ऐसे पेशेंट्स में जिनको ऑब्स्ट्रक्शन होती है यहाँ पे। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में वॉमिटिंग जो है बहुत रेयर होती है, क्योंकि वॉमिटिंग जो है अगर आपका ऊपर वाले डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का हिस्सा इन्वॉल्व होगा तो आती है, जबकि लार्ज इंस्टेंस इसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस में सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन जो है इन्वॉल्व होती है। ये थे कॉमन रीजन जो मैंने समझाने की कोशिश की थी जिसकी वजह से आप क्रॉन्स और अल्सरेटिव कोलाइटिस में डिफरेंस कर पाए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।